है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराक स्किन केयर। गाइस, कैसे हैं आप सब? अगर आपके चेहरे की रंगत ख़त्म हो गई है, या चेहरे पे पुराने वाला ग्लो नहीं रहा है, या फेस पे बहुत ज़्यादा टैन हो गई है, आप कई बार ये होता है कि चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझा जाता है धूप की वजह से, कोई भी मेकअप अप्लाई कर लो चेहरे पर निखार नहीं आता, तो इस सब का ही एकमात्र सोल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इंस्टेंट रिजल्ट देगा आपके फेस के ऊपर। इस DIY को आप वन स्टेप फेशियल भी कह सकते हैं। पार्लर में जाते हो, फेशियल करवाते हो, फेशियल के बाद आपके चेहरे पे जो निखार आता है, वैसा ही ये ग्लो देगा आपके चेहरे पे ऊपर, इंस्टेंट ग्लो देगा, और आपकी जो चेहरा है वो दमक उठेगा, निखर जाएगा और चेहरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो सारे ही स्किन वाइटते हैं, चेहरे पे रौनक लाते हैं, चेहरे को सिल्की स्मूथ बनाते हैं, और चेहरे का जो निखार है जो वापस नहीं आ रहा था वो इंस्टेंट वापस कर देंगे। तो चलिए गाइस, इस DIY को कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको लेना है एक बॉल, बॉल में डालना है 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन जो है वो स्किन वाइटिंग ब्राइटिंग का बहुत अच्छा सोर्स है। देन उसके बाद आपको ऐड करना है इसमें 1 टेबल स्पून चावलों का आटा, 1 टेबल स्पून लाल मसूर की दाल का पाउडर। अब इस सब पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद चाहिए आपको एक लेमन, 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस आपको इसमें ऐड कर देना है। नींबू ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी 1 टेबल स्पून गुलाब जल, और उसके बाद मैंने आपके साथ एक DIY शेयर की थी तुलसी टोनर की, वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं 1 टेबल स्पून तुलसी टोनर का इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने फ़िल्टर वाटर यूज़ नहीं किया है इसमें, मैं गुलाब जल और टोनर की हेल्प से ही इसको मिक्स करूँगी, इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बनाऊँगी। अगर आपने मेरा तुलसी टोनर की DIY वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। सो गाइस, मेरी है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हो और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मैं ब्यूटी टिप्स के ऊपर ऐसे ईजी सी और इफेक्टिव DIYs बनाती रहती हूँ। तो मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अपने फेस को पहले अच्छे से फेस वॉश से क्लीन कर लेना है, देन उसके बाद आपको इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। क्योंकि गाइज, इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट डाले हैं वो सारे आपकी स्किन के ऊपर एक जादू जैसा काम करते हैं। लाल मसूर की दाल जो है वो आपके चेहरे के पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को बहुत ईजली रिमूव करती है। चावलों का जो आटा है वो जैपनीज़ और कोरियन स्किन वालों का एक ब्यूटी सीक्रेट है, वो अपने स्किन को ग्लोइंग और यंग बनाए रखने के लिए चावलों का आटा का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो चेहरे को डीपली क्लीन करता है, और बेसन जो है वो स्किन वाइटिंग ब्राइटनिंग का भी बहुत अच्छा सोर्स है, चेहरे के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है जिससे पिंपल्स वगैरह होने की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पर इस पैक को अप्लाई करना है। जब ये सूख जाए तो हाथों को थोड़ा सा गीला करके अपने चेहरे की 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, देन उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट है इस DIY का। आपके चेहरे का जो ग्लो है वो वापस तो करेगा ही, चेहरे पे रौनक भी लाएगा और आपकी स्किन को स्मूथ भी बनाएगा। इस वीडियो रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी आज की एक ईजी सी DIY। आई होप गाइज आपको मेरी आज की DIY अच्छी लगी होगी। सो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसी ईजी सी और इफेक्टिव DIYs लेकर आती रहूँगी। सो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ईजी सी DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।